नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। एसईसीएल के ओसीएम स्टोर में डकैती की योजना बनाते हथियारबंद पांच बदमाशों को एसपी की स्पेशल टीम ने पकड़ा है, जिनके पास से एक पिस्टल, एक कट्टा और धारदार हथियार जब्त कर कार्रवाई की है। जिले के धनपुरी थाना अंतर्गत संचालित कोयला खदान के स्टोर में डकैती की योजना बनाते पांच हथियारबंद मोहम्मद मोइन उर्फ मिंटू, मोहम्मद शफी, मोहम्मद सलमान, शहबाज खान और सत्येंद्र तिवारी को डकैती की योजना का अंजाम देने से पहले ही एसपी अवधेश गोस्वामी की स्पेशल टीम ने धनपुरी थाना क्षेत्र में पकड़ लिया, जिनके पास से एक पिस्टल, एक कट्टा, एक कारतूस और तलवार, बका और लोहे की रॉड सहित मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की है। इन पांचों आरोपियों को पकड़ने में धनपुरी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास इतनी मात्रा में हथियार कहां से आए, बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। योजना बनाते हुए धनपुरी पुलिस ने कुछ लोगों पर गिरफ्तार किया, क्या मामला? थाना धनपुरी में का पांच आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और एक बड़ी कामयाबी शहडोल पुलिस को मिली है। पांच व्यक्ति जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के भी उसमें व्यक्ति शामिल है और ये डकैती की योजना बना रहे थे और इनकी जो है जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुई। इस पर से पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम ने इनको इनकी जानकारी इकट्ठी करके संबंधित थाने के माध्यम से इनको पकड़वाया है और इसमें जो है एक पिस्टल, 315 बोर का एक कारतूस, एक तलवार, एक बका, एक लोहे की राड और मोबाइल फ़ोन और अन्य सामग्रियाँ मिली हैं और इसमें करीब पांच आरोपी जो हैं वो खास है, जो उसमें दो तो धनपुरी के रहने वाले हैं, मोइन उर्फ मिंटू, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद सलमान, सहवान, सत्येंद्र तिवारी, ये आरोपी हैं जो नवयुवक हैं और इनमें कुछ आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और जिला अनूपपुर के ये तीन इसमें आरोपी हैं रहने वाले, दो जिला शहडोल के हैं। इनको पुलिस ने पकड़ा है और इनके पास से ये हथियार भी बरामद हुए हैं। इसमें जो खास बात है कि इसमें ये है कि ओसीएम में ये स्टोर में डकैती करने की योजना थी इनकी और जब ये जानकारी पुलिस को मिली है तो पुलिस ने इनको धर दबोचा है और इनके पास से ये सामान भी बरामद हुए हैं और निश्चित रूप से ये बड़ी कामयाबी है पुलिस की। आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई थाना धनपुरी में हो रही है।